Okay, so good evening and welcome back to our channel Bhushan Science and Bhushan Science Plus app pe. Hello everyone, good evening. Hello Dishan. Hello everyone. Hello Rubina. Hello Gauro. Hello Komal. Hello Rohan Singh. How are you all? Hello, hello, good evening. Hi, hello Parth. ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है और जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये अभी हमारी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की डेमो क्लासेस चल रही है फॉर ऑल द सब्जेक्ट, जिसमें मैं कौन सी सब्जेक्ट लेती हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट. ठीक है, इससे पहले आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, फिर सोशियोलॉजी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस रनिंग में होती है. ठीक है, कंटिन्यूअस हमारी इस कोर्सेज के क्लास डेली लाइव क्लासेस होती है. नेक्स्ट थिंग, हम इसमें डेली लाइव क्लासेस लेते हैं. नेक्स्ट थिंग, हम इसमें सारे नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं. नोट्स पीडीएफ में क्यों दिया जाता है, बिकॉज देर आर सम राइटिंग इश्यूज, है ना, किसी को किसी की राइटिंग समझ आती है नहीं आती है, फॉर योर बेनिफिशियल हम क्या करते हैं, जितने भी नोट्स रहते हैं उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, जैसे कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने अपने डेमो क्लासेस में यूनिट फर्स्ट को डील किया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. आई होप सो आपको सारे लोगों को, जितने भी लोग मेरे क्लासेस में प्रीवियसली एडेड थे, उनको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना. अगर नहीं हुई है तो यू कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर, नहीं तो फिर हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. आई होप सो सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगर कुछ नहीं क्लियर है वो चैप्टर वन आप पूछ सकते हैं. गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग रॉयल. प्लीज मैं बार बार ये चीजें बोलती हूँ कि किसी का दूसरा नाम है तो प्लीज फर्स्ट मेंशन योर नेम ना, ताकि मेरे को क्लियर हो कि व्हाट्स योर एग्जैक्ट नेम, है ना. थोड़ा सा डिफरेंट नेम लेना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, दैट इज लिटिल वियर्ड, ना. तो प्लीज मेंशन योर नेम. ओके, तो लास्ट क्लास में किसी को ये डाउट नहीं है. गौरव, देखो अभी हमने नोट्स ऑलरेडी डाल चुका है, है ना. अब इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट नोट्स आफ्टर दिस क्लास और जब भी हम एक दो दिन में अपलोड करवा देंगे. ठीक है, बाकी नोट्स आपको सफिशियंट मिल चुका है, एक बार ऐप पे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा. गुड इवनिंग मनीष. ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वी कैन डिस्कस आफ्टर दिस क्लास, है ना. लास्ट 10 मिनट्स वी विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स, ऑल योर प्रॉब्लम्स. तब तक
अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट 5। पूछ लो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, हाँ तो लेट स्टार्ट आर यूनिट 2। यूनिट सेकेंड दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, जैसे ये वर्ड है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, अब किसी को अगर पता है तो यू कैन कमेंट ऑल योर प्रॉब्लम्स। देखो प्रशांत, यू वांट हेल्थ केयर प्रमोशन मॉडल। ठीक है, देखो हेल्थ केयर प्रमोशन में देर आर सो मेनी मॉडल्स, है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर मॉडल्स पढ़े हैं जिसमें हर एक क्या बोलना चाहिए अपना हेल्थ केयर प्रमोशन के बारे में, कि कैसे हम किसी पर्सन का या किसी पेशेंट का हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। अब देखो मैं अगर पूरे मॉडल्स को पढ़ाने लगूँ तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ कि हाउ वी डील विथ हेल्थ प्रमोशन एज अ नर्स। हम क्या कर सकते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिए, कि जैसे अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पेशेंट को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट की सर्जरी होने वाली है आज, हाँ पेशेंट की सर्जरी हुई, आफ्टर दैट दैट पेशेंट डजंट नो अबाउट देयर डाइटरी पैटर्न, है ना। तो वो भी एक काइंड ऑफ क्या हुआ, हेल्थ प्रमोशन का पार्ट हुआ, है ना, कि अगर हम उनको डाइटरी पैटर्न के बारे में एजुकेट करेंगे, उसके लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में एजुकेट करेंगे या उसका काउंसलिंग करेंगे, है ना, तो दैट विल प्रमोट देयर हेल्थ, कि अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो यू विल गेट बेटर, है ना। जैसा बोलते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के बाद, है ना, ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद लोग क्या है, सबसे पहले 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स क्या रहते हैं, नील पर ओरल रहते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ लिक्विड डाइट, है ना। लिक्विड डाइट के बाद हम किस में जाते हैं, सेमी सॉलिड डाइट पे जाते हैं, फिर सॉलिड डाइट पे जाते हैं, दैट मीन्स नॉर्मल डाइट पे जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमको उनके प्रमोटिंग फैक्टर्स, जैसे ये तो हो गया एग्जाम्पल सर्जरी का, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो हम नॉर्मल पेशेंट के हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं, है ना। तो कैसे प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहले जैसे पेशेंट आया हमारे पास तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी डायग्नोसिस और वो बनता है। अब वो हमारे हेल्थ प्रमोशन के लिए कैसे बेनिफिट है, कि जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे हम ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। आफ्टर ट्रीटमेंट वो क्या होते जाएगा, हील होते जाएगा, दैट मीन्स उसका हेल्थ क्या होते जाएगा, प्रमोट होते जाएगा इन अ गुड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर दुष्यंत, निशांत सॉरी। मीन्स हमको ये याद रखना है कि पेशेंट का एग्जैक्ट कॉज क्या है ना, या पेशेंट को क्या हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसके हिसाब से हमको केयर प्लान बनाना है, विद उस केयर प्लान को या उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को हमको एक्शन में लाके उसके पेशेंट को क्या करना है, रिलीव करना है या उसको ठीक करना है, दैट इज व्हाट हेल्थ प्रमोशन इज। दैट योर देखो
डायग्नोसिस मीन्स अगर आप बोलेंगे तो कोई भी एक ऐसा कंडीशन जिसके कारण क्या हुआ, पेशेंट बीमार हुआ है ना। जैसे बोलते हैं फॉर एग्जांपल वायरल फीवर, अभी वायरल फीवर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो दैट वायरल फीवर इज व्हाट डायग्नोसिस इज। या बोल सकते हैं जैसे किसी भी एक जगह पे इंफ्लामेशन हो गया, लाइक अपेंडिक्स में है ना, अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो गया, दैट मीन्स द डायग्नोसिस इज अपेंडिसाइटिस है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम को लेके वी विल गिव अ नेम है ना, तो दैट नेम इज डायग्नोसिस। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस का नाम देते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज डायग्नोसिस। और किसी को कोई फर्स्ट चैप्टर से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि किसी भी डायग्नोसिस को या किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए देर आर सम प्रोसीजर्स, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक है ना। कि हम किसी चीजों को डायग्नोस करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं है ना। तो ये मीनिंग हुआ कि किसी भी डायग्नोसिस को डायग्नोस करने के लिए देर आर सम प्रोसीजर जिसको हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को। इज दैट क्लियर गौरव? प्लीज अगर चीजें कंफर्म हो रही है या आपको समझ आ रही है तो यू हैव टू से यस और नो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी नहीं, वी विल गिव दैट इन योर पीडीएफ फॉर्म एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन बैंक टाइप का जो भी फॉर्मेट है वो हम पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डेली क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करें हम ना यूनिट सेकेंड, दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम? देखो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं है ना, हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना। जैसे हॉस्पिटल, वो क्या है, एक हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ पे हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग होम्स है ना, और उसको भी हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर ले सकते हैं ना। मीन एरिया, एरिया दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर बाय प्रोफेशनल्स। तो दैट एरिया इज कॉल्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक अब हम देखते हैं कि व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स है ना। तो हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, एक ऐसा एक्शन होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसा एक्शन होता है जिससे हम पेशेंट के हेल्थ में प्रमोट कर सके या क्या कर सके, उसको आगे बढ़ा सके इन अ गुड वे। ठीक है, दैट इज व्हाट हेल्थ प्रमोशन। अब देखो, हेल्थ प्रमोशन के लिए WHO ने एक डेफिनेशन दिया है,
हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक डेफिनेशन दिया गया है। दैट डेफिनेशन मतलब उसमें ये बताया गया है कि हेल्थ प्रमोशन क्या है, एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ, इनेबलिंग पीपल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, हम पर्सन के हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं बाय सो मेनी एक्शंस, है ना। जैसे हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट को एस्पायर मतलब इंस्पायर करेंगे, पेशेंट को सेटिस्फाई करेंगे विद आर ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल गिव सम हेल्थ प्रमोटिंग थिंग्स। ठीक है, अब देयर आर सम अप्रोचेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ऑफ हेल्थ प्रमोशन ठीक है, देयर अप्रोचेस। तो सबसे फर्स्ट हमारा अप्रोच क्या हो सकता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट हेल्थी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन है ना, हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किन चीजों का अप्रोच करके अप्रोच ले। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच? दैट मीन्स कि हम किसी की हेल्प लेते हैं या कौन कौन सी चीजों से हम हेल्थ प्रमोशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आएगा हमारा हेल्दी पॉपुलेशन। कैसे हेल्दी पॉपुलेशन? अगर हमारा पॉपुलेशन या हमारे आसपास के लोग हेल्दी रहेंगे तो दैट विल प्रमोट आर हेल्थ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि अपने हेल्थ में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ठीक है, अब मेरे आस पास सब हेल्दी लोग हैं ना, बहुत फिट हैं और ना कभी बीमार पड़ते हैं ना कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है ना। तो अगर मेरे आसपास हेल्दी पॉपुलेशन है तो कहीं ना कहीं मैं भी क्या होंगी, अपने हेल्थ से अवेयर होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को भी हेल्दी रहना है। कहीं ना कहीं वो देख के वो क्या होता है, मोटिवेशन आता है ना। तो दैट विल इम्प्रूव माई हेल्थ, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या काम किया, हेल्थ प्रमोशन का काम किया। तो इफ वी हैव एन हेल्दी पॉपुलेशन या हेल्दी इन्वायरमेंट, दैट विल प्रमोट आर हेल्थ। नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन विथ रिस्क फैक्टर। ये अप्रोच में कैसे आएगा? देखो, हम हेल्थ प्रमोशन ऐसे जगह पे देंगे जहाँ पे ऐसे पर्सन्स रहते हैं जो कि बहुत अनहाइजीनिक या अनहेल्दी टाइप के, जैसे स्लम एरिया ना, बहुत ज्यादा स्लम एरिया, वहां पे लोग बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक वे से रहते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम्स में हम क्या कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं कि यू हैव टू लिव लाइक दैट, है ना। अब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है तो हमको ये खाना वो खाना, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू योर देयर इकोनॉमिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, हम कौन सा बेस्ट सोल्यूशन उनको दे सकते हैं, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उनको चीजों को समझाना है। नेक्स्ट थिंग पॉपुलेशन विथ सिम्टम्स। पॉपुलेशन विथ सिम्टम्स, जैसे देखना आप लोगों ने आई थिंक सो पढ़ा होगा प्रिवेंशंस, है ना। प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन, ये चीज होता है। अब हम प्राइमरी प्रिवेंशन कब करते हैं? जब कोई चीजें हुई रहती है उससे पहले, दैट मीन्स हेल्दी पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, है ना। हम यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन करेंगे बट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि दे ऑल आर हेल्दी ना।
जैसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, तो वैसे ये क्या हो सकता है, एक प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन, कि ऐसे लोगों के सामने हम प्रमोशन का एडवर्टाइजमेंट करेंगे या अप्रोच करेंगे जो कि ऑलरेडी हेल्थ के, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट इज पॉपुलेशन विथ रिस्क फैक्टर, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, है ना। या इसको भी हम किसमें ले सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में ही ले सकते हैं, है ना। तो दैट इज सेकेंड अप्रोच, जो पर्सन रिस्क में है कि उनको आगे जाके इन्फेक्शन हो सकता है या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जाके, ऐसे सोसाइटीज में जाके, ऐसे प्लेसेस पे जाके, एरियाज पे जाके हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं और हेल्थ को प्रमोट करते हैं। थर्ड वन इज पॉपुलेशन विथ सिम्टम्स, है ना। अब ये थर्ड अप्रोच क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ समवन इज हैविंग इशू, है ना, उनको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो सिम्टम्स कैसे ठीक होंगे, तो हमको क्या है उसको बताना है, वो भी क्या हो गया, एक हेल्थ प्रमोशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन विद डिसीज, पॉपुलेशन विद डिजीज और एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। जैसे बोलते हैं ना अपन कि किसी पर्सन को कैंसर हो गया, अब वो क्योर नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके लाइफ स्पान को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स। को हेल्दी खाना खिलाएंगे, कीमोथेरेपी अर्ली स्टेज में स्टार्ट करें, देर आर सो मेनी वेज ऑफ प्रमोटिंग देयर हेल्थ, है ना। तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। इज दैट क्लियर, हेल्थ प्रमोशन देखो, कोई भी टॉपिक्स पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क एनीथिंग। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, रावण या आई थिंक सो फंडामेंटल के एग्जाम्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल टू है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है उसमें एक साथ फंडामेंटल फर्स्ट और सेकेंड के एग्जाम्स होते हैं। दिनकर ऐप के फुल जितने भी चीजें हैं कंटेंट, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होते, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी सारी चीजें हैं, आपको ये जो कोर्सेस है अभी क्या है, फ्री पे चल रही है ना, तो जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियोस है, आप ये जो यूट्यूब की लाइव क्लासेस है वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना, नोट्स मिल जाएंगे, बट बाकी सारी चीजें हैं जो कि आपको ऐप में जाके देखना पड़ेगा। That clear? अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क नाउ।
फिर हम अपने सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज हेल्प प्रमोटिंग इन्वॉल्व एक्शंस। प्रमोशन वॉल देर आर सम एक्शंस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। ओके okay? ओके ओके वेट, ये हमारा आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन ये दोनों आ जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन में कौन सी चीजें आती है, जो डिसीज के बाद हम जब रिकवर होके चले आते हैं ना, तो रिकवर होने के बाद हम जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि हमको चीजें आगे ना बढ़े, तो दैट इज व्हाट टर्शरी प्रिवेंशन इज। दैट ओके? कौन सी चीजों को फिर से पढ़ाना है, यू कैन मेंशन रेनू चौबे। दिनकर अरोरा, आई थिंक सो यू आर इज इन सेकेंड सेमेस्टर। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर पे हैं अभी, या आप लोगों के कोर्सेस ईयर वाइज चल रहे हैं, ओके, या आई विल रेनू, ठीक है, तो आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन क्लियर ऑल योर प्रॉब्लम। बट अगर आप 2023 में एडमिटेड हो या एडमिशन लिया है आपने, तो क्या है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा होगा। अगर आप के कॉलेज पे या आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज ही है, तो अगर ईयरली वाइज है तो यू आर इज इन फर्स्ट ईयर। तो हमारा फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की कोर्सेज है, और इसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर इंक्लूडेड वाली कोर्सेज भी है, तो यू कैन परचेस बोथ, और जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप परचेस कर सकते हैं। अगर और इससे रिलेटेड कोई इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, तो आप उस पे पूछ सकते हैं। ओके okay. तो हम क्या पढ़ रहे थे, हेल्थ प्रमोशन। व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन? हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन के ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी इंटरवेंशन या सो मेनी एक्शंस, है ना, दैट इज व्हाट हेल्थ प्रमोशन इज। ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। क्या करते हैं हम, बहुत सारे एक्शंस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन का हेल्थ में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो दैट इज व्हाट हेल्थ प्रमोशन इज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
पेशेंट इज हैविंग कैंसर, कैंसर है पेशेंट, या पेशेंट को HIV है, ठीक है? ठीक है, अब पेशेंट को HIV हो गया, उसको पता चल गया, वो कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली क्या हो जाता है, एनेबल हो जाता है कुछ भी चीजों को करने के लिए. बट ऐसे टाइम्स में एज अ नर्स वी हैव टू प्रमोट देयर हेल्थ, है ना, एटलीस्ट एक्सटेंड देयर लाइफ स्पान. जो 4 साल में मरने वाला है हम उसको क्या कर सकते हैं, इनको बचा तो नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं हम अपने इंटरवेंशन से, अपने एक्शन से क्या कर सकते हैं, ये 4 साल को 6 साल कर सकते. तो दैट इज वॉट हेल्थ प्रमोशन इज, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी थेरेपेटिक इंटरवेंशन, थेरेपेटिक एक्शन, हम क्या करते हैं, लाइफ स्पान को बढ़ाते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग चरण, गुड इवनिंग आरशी, रेणु चौबे, यूट्यूब पे पूरी क्लासेस सिलेबस नहीं चलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी डेमो क्लासेस चल रही है, ठीक है? आफ्टर दिस चैप्टर और आफ्टर 3 to 4 days हम क्या है, ये जो पब्लिक लाइव क्लासेस है उसको स्टॉप करके हम प्राइवेटली जो भी आप लोग आप लोगों के लिए कन्वीनियंट भी है आई थिंक सो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेटली चलता है तो सारी चीज़ें क्या होती है, अच्छे से क्लियर होती है ना, तो आप परचेस कर लीजिए. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको एक साथ कोर्सेस में सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एज वेल एज फंडामेंटल. तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप कोर्स परचेस कर लो, ताकि आपको सारे चीज़ों का नॉलेज हो और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए. गुड इवनिंग सीहब साहेब, ओके आरशी. देखो अभी हमारी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की डेमो क्लासेस चल रही है, ठीक है, जिसमें हम आपको डेली, अभी लाइव क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस मैं स्पेशली लेती हूँ. में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, प्लस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा. गुड इवनिंग सुप्रिया, गुड इवनिंग. एक्चुअली अभी आई थिंक सो सेल चल रहा है कुछ 35%, आई थिंक सो. ये हमारा कोर्स 990 का था, जो कि आपको 649 पे अभी अवेलेबल मिल जाएगा फॉर 2-3 days, है ना. अगर आपको इससे रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है या कुछ चीजें पूछनी है, तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, ठीक है. आई थिंक सो एवरी सब्जेक्ट्स के टोटली लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे यूट्यूब पर, चलेगा, बट हु ऑल आर परचेज दैट कोर्सेस, उनके लिए हाँ, यू हैव टू परचेज दैट कोर्स आफ्टर द डेमो क्लासेस, है ना. डेमो क्लासेस के बाद आपको परचेज करना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने क्लासेस को कवर कर सके. ओके, इज दैट क्लियर रेणु चौबे? दुष्यंत, यशिका, कनिष्क एंड वन मोर पर्सन इज देयर, सांतना आई थिंक सो. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनीथिंग.
फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस यूनिवर्सिटी से आती है, तो जब वो डेट कंफर्म होगा तभी पता चल सकता है। मैं या कोई और भी टीचर कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कौन से डेट पे होने वाला है ना, बट कहीं ना कहीं फैब मार्च जैन फैब में हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है चलो, बहुत हो गया बातें, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज हेल्थ प्रमोटिंग या हेल्थ प्रमोशन इन्वॉल्व एक्शंस। हेल्थ प्रमोशन इन्वॉल्व एक्शन, देर आर सो मेनी एक्शंस जो क्या करता है, हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है ना। बहुत सारे ऐसे एक्शंस है ना, विदाउट एक्शन या विदाउट इंटरवेंशन हेल्थ प्रमोशन इज पॉसिबल? नो, क्यों? क्योंकि जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम इंटरवेंशंस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, देर इज नो एनी पॉसिबिलिटीज। हम ही नहीं, कोई भी अगर एक्शन नहीं करेगा अपने हेल्थ के प्रमोशन के लिए, तो देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग देयर हेल्थ। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू अनेबल द पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। इनेबल पीपल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव हमको, पर्सन को ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताना है, मोटिवेट करना है ना, कि ताकि वो अपने हेल्थ के लिए क्या हो सके, अवेयर आ सके, मतलब अवेयरनेस आ सके, और क्या कर सके वो अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में, क्या थोड़ा दिमाग में आए। सेकेंड थिंग, यू हैव टू इन्वॉल्व द पॉपुलेशन एज होल। इन्वॉल्व द पॉपुलेशन दैट मीन्स किसी भी चीजों को करने के लिए हमको क्या करना है, पर्सन्स को इन्वॉल्व करना है। जैसे मैं बीमार हूँ है ना, या मैं नर्स हूँ, मैं पेशेंट के पास जा रही हूँ उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए। अब वो पेशेंट बहुत ज्यादा लेजी है, वो कुछ करना नहीं मांगेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक बैरियर आएगा कि हम चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग देयर हेल्थ, तो वो बैरियर होगा। तो हमको ये उसके माइंड को ऐसा चेंज करना है कि वो अपने हेल्थ प्रमोशन के लिए सारा इन्वॉल्वमेंट दे, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी विल डू हेल्थ प्रमोशन ऑफ एवरीवन्स। नेक्स्ट थिंग, देखो देर आर सो मेनी थिंग्स इन कम्युनिटी जो कि हमारे को इन्फ्लुएंस भी करता है और इम्प्रूव भी करता है, तो हमको क्या करना है, जो इन्फ्लुएंसिंग थिंग है ना उसको हटाना है, बैड इन्फ्लुएंसर्स है ना, बैड इन्फ्लुएंसर्स को हटाना है और अच्छी अच्छी चीजों को क्या करना है, को इन्वॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो देर आर सम चार्टर्स है ना, दैट इज कॉल्ड ओटावा चार्टर्स। ओटावा, अब ओटावा चार्टर्स क्या बताया गया है ना, देर आर सम एक्शंस इन हेल्थ प्रमोशन है ना, तो वो एक्शंस देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यू हैव टू बिल्ड हेल्दी पब्लिक। बिल्ड हेल्दी पब्लिक है ना, कि हमको क्या करना है, पब्लिक को हेल्दी बनाना है, बट हम कैसे बनाएंगे। देखो कभी कभी ऐसे होते हैं ना कोई चीजें, कि अगर मैं किसी हॉस्टल पे रह रही हूँ, अगर वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो आई विल डू ऑल द थिंग व्हाट आई वांट, बट इफ देर आर सम पॉलिसीज और इफ देर आर सम रूल्स ना, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है मेरे हर एक चीज को बहुत अफेक्ट करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ हेल्दी पब्लिक
पॉलिसी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि क्या हो, हेल्थ प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हो और प्रमोट हो। नेक्स्ट थिंग, डेवलप पर्सनल स्किल्स, या पर्सनल स्किल में क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसका बैड हैबिट है, बैड हैबिट अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू इनकरेज कि आपको स्मोकिंग नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है ना, गुड हैबिट मेक करना है ताकि उसका एक नॉर्मल लाइफ हो, एक लाइफस्टाइल क्या हो, चेंज हो, ठीक है। दैट इज हाउ वी विल डेवलप देयर पर्सनल स्किल। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे लोगों की उठने की आदत बहुत लेट होती है, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, दैट इज 5 o'clock उठे, 6 o'clock उठे, 7 o'clock, है ना, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा वेकअप टाइम ना। तो दैट वेकअप टाइम अगर हमारा जल्दी हो गया तो कहीं ना कहीं हम क्या है, एक हेल्दी लिविंग की ओर बढ़ते हैं। तो दैट इज हाउ वी विल प्रमोट विद द हेल्प ऑफ पर्सनल स्किल, है ना। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू रीओरियंट हेल्थ सर्विसेज। आपको ऐसा होता है ना कि अगर हमको एक बार पॉलिसी पता है ना, तो हम क्या है उस पे करते तो है काम, बट समटाइम वी नीड अपडेशन, है ना, तो बहुत सारी चीजों का अपडेशन चाहिए होता है ना। तो वी हैव टू रीओरियंट हेल्थ सर्विसेस ऑल द टाइम, है ना, हमेशा हमको क्या क्या करना पड़ता है, बार 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 चीजों को बताना पड़ता है। इज दैट क्लियर। ओके ओके, आई विल यूज सम अदर कलर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देर आर सम स्ट्रैटेजीज। प्रमोटिंग ये कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एडवोकेट, नेक्स्ट थिंग एबल, द थर्ड वन इज मेडिटेट, ठीक है। हाउ एडवोकेट विल वर्क इन हेल्थ प्रमोशन, देखो जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, क्या हमारा हेल्थ है द मेजर रिसोर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो वी विल डू मोर वर्क, जिससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होगा और विद द हेल्प ऑफ आर पर्सनैलिटी हम क्या है सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से जगह बना सकते। मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट, है ना, देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट विल इंक्रीज, है ना, कि अगर मैं एक हेल्दी पर्सन तो मेरा माइंड काम करेगा, अगर मेरा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है तो मैं कहीं ना कहीं अपने हर टाइम इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचूंगी। जैसे हम बच्चे रहते हैं, हम क्या सोचते हैं, आगे पढ़ेंगे, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अगर मैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हूँ मैं क्या करूँगी, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। दैट मीन्स वी विल गो फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhDs, ऑल दिस थिंग, है ना। तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ क्या है, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फैक्टर्स जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकती हूँ और मैं एक हेल्दी लिविंग जी सकती हूँ।
नेक्स्ट थिंग इज इनेबल. वॉट इज इनेबल? हमारा जो हेल्थ प्रमोशन का एक्शन रहता है ना, वो क्या एम करता है कि हम इनसिक्योरिटीज या हेल्थ स्टेटस जो कि रिड्यूस हो चुका है को क्या कर सके, एक प्रमोटिव थिंग है ना, या बोल सकते हैं एक यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे कि क्या है हमारा एक हेल्थ इनेबल करता है फॉर अ गुड लिविंग. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग इज मेडिटेट. एज यू ऑल अवेयर अबाउट द मेडिटेशन, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट योर हेल्थ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन है ना. मेडिटेशन करके लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलता है. बाय देर आर सो मेनी कोऑर्डिनेशन बाय गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि योगा मेडिटेशन रिहैब सेंटर्स है ना, तो ऐसे सारे जगहों पर क्या होता है ये सेंटर्स चलाया जाता है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मा कुमारी का मेन मोटिव क्या होता है, दैट पीस ऑफ माइंड है ना, कि लोग पीस ऑफ माइंड से भगवान की ओर जाएं या उनका दिमाग शांत हो, एकाग्र हो, अपने माइंड को फोकस करके कोई काम करे ना. तो दैट इज हाउ मेडिटेट विल प्रमोट आर हेल्थ. दैट क्लियर? गुड इवनिंग सुप्रिया. यशश्री इंग्ले गुड इवनिंग. इज दैट क्लियर? गुड इवनिंग रिया. देखो अगर आज की क्लासेस आपको क्लियर हो गई है, अगर कोई डाउट है तो यू हैव 2-3 मिनट्स, यू कैन आस्क एन इंक्वायरी. ठीक है, अगर कोई चीजें समझ नहीं आई है अभी भी तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, ओके अशिका, ओके सांथना, ओके रिया, थैंक यू सो मच. अगर किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं ना, तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनीथिंग है ना, वी आर हियर फॉर यू. अगर आज की क्लासेस सबको समझ आ गई है तो मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस एंड करती हूँ. कल मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्सेस रोल इन हेल्थ प्रमोशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी इन लाइफ. ठीक है, क्योंकि हम क्या है नर्सेस है ना, तो एज अ नर्स वी हैव टू नो कि हमको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए फॉर हेल्थ प्रमोशन. ठीक है, ओके. तो अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है तो मैं आज की क्लास यहाँ पे एंड करती हूँ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल.